एक बार की बात है, बालभद्र राज्य को राजा बलवंत शासित करता था। वो एक क्रूर राजा था और बड़ी कठोरता से लोगों पर जुल्म करता था। उसने अपने राज्य की प्रजा पर ढेर सारे कर थोपे हुए थे और उनके लिए परेशानियां खड़ा करता रहता था। जो कर अदा नहीं कर पाते थे वो उनको कठिन सजाएं देता था। कुछ लोगों ने उसके खिलाफ लड़ाई की तो उसने उन्हें मौत की सजा दे दी। मंत्री धर्मानंद ने राजा को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। एक दिन राजा बलवंत जानवरों के शिकार के लिए जंगल गया। वो घने जंगलों में दाखिल हो गया। अचानक चार शक्तिशाली आदमियों ने पेड़ के ऊपर से जाल फेंका और बलवंत को फंसा लिया। वो खतरनाक डाकू थे। उन डाकुओं ने बलवंत को पकड़ा और फिर अपने सरदार के पास लेकर गए। डाकुओं का सरदार था गंगलू। वो बलवंत से बोला, कौन हो तुम? सच बताओ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं बालभद्र राज्य का राजा हूँ, मेरा नाम बलवंत है। ये सुनकर गंगलू हैरान हो गया और अपने आदमियों को उसने आदेश दिया, अरे ये तो हमारा ही आदमी है, हमारे ही परिवार से है, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना, इसे फौरन छोड़ दो। जब गंगलू ने ये बात कही तो बलवंत को कुछ समझ नहीं आया। फिर बलवंत वहां से चला गया। कुछ देर बाद जंगल में चलते हुए उसके सामने एक भूत प्रकट हुआ। वो भूत हवा में गुलांटियां खा रही थी और जोर जोर से हंसने लगी। बलवंत उस भूत के सामने अपनी तलवार लेकर खड़ा हो गया। ये देखकर वो भूतनी और जोर से हंसी और बोली, मूर्ख, इस तलवार से मुझ जैसी भूतनी का तुम क्या नुकसान करोगे? मैं तुम्हें मार कर अभी तुम्हारा खून पी सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे नियमों के अनुसार हम सिर्फ मृत शरीर का खून पी सकते हैं। इसे छोड़, ये बताओ तुम हो कौन? मैं बालभद्र राज्य का राजा हूँ, मेरा नाम है बलवंत। ये सुनकर भूतनी ने ऐसे दिखाया जैसे कि वो डर गई हो और बोली, क्या तुम बलवंत हो? तुम्हारा नाम सुनकर हमारे यहाँ भूत भी डर जाते हैं। हमारे बुजुर्ग भूतों का कहना है कि तुम तो भूतों के भी भूत हो। बलवंत को भूतनी की बात नहीं समझ आई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, क्योंकि तुम हमारी भूख जो मिटाते हो। अगर मैंने तुम्हें मारा तो भूत मुझे कभी नहीं माफ करेंगे। ऐसा कहकर वो भूतनी उड़ गई। बलवंत बड़े असमंजस में था, क्योंकि वो भूतनी उसे डर गई थी और बोली थी कि बलवंत भूतों का भी भूत है। फिर वो भूत की बात पर विचार करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ देर बाद बलवंत ने भयानक आवाजें सुनी। बलवंत डर गया और आवाज की तरफ सर घुमाया। तभी एक भयानक राक्षस ने अपना हाथ बढ़ाकर बलवंत को उसके गले से पकड़ लिया। मैं बहुत भूखा हूँ, कितने समय हो गया, मैंने एक मनुष्य को नहीं खाया है। ऐसा कहकर राक्षस कुछ देर रुका और फिर बलवंत से पूछा, देखने में तो तुम महान लगते हो, कौन हो तुम? मैं बलभद्र राज्य का राजा हूँ। क्या तुम बलवंत हो? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम्हें मारने का मतलब खुद को मारना होगा। तुम लंबी उम्र जियो। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। राक्षस ने बलवंत को आशीर्वाद दिया और छोड़ दिया। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और चिंता भी हुई। बलवंत इसके बाद जल्दी जल्दी चलकर अपने महल पहुंचा। उसने तुरंत अपने मंत्री धर्मानंद को बुलाया और उससे पूछा, मंत्री, आज जब मैं शिकार पर गया था मुझे जंगल में अजीब से अनुभव हुए हैं। राजा, कृपया मुझे अपने अनुभवों के बारे में बताइए। धर्मानंद सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अपने साथी डाकुओं को मेरे बारे में बताते हुए डाकुओं के सरदार ने कहा, ये तो हमारा आदमी है, हमारे ही परिवार का है। फिर एक भूत ने मुझे देखा
और बोला कि मैं भूतों से भी ज्यादा खतरनाक हूँ और मैं भूतों का भी भूत हूँ। ऐसा कहकर वो भूत चला गया। कुछ समय बाद मुझे एक राक्षस ने लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और वो भी चला गया। उनमें से किसी ने मुझे नहीं मारा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। क्या तुम मुझे उनके इस बर्ताव की वजह बता सकते हो? बता दो जरा। ठीक है राजा, मैं आपको उनके कहे शब्दों और उनके बर्ताव का मतलब जरूर बताऊंगा, अगर आप सुनकर मुझ पर नाराज नहीं हो। प्रिय मंत्री, तुम जो कहोगे मुझे मंजूर होगा। ये तो हमारा ही आदमी है, हमारे ही परिवार से। इसका मतलब था कि जिस तरह जंगल में डाकू यात्रियों को लूटते हैं, आप राज्य की प्रजा को लूटते हैं। उनके कहने का यही मतलब हो सकता है महाराज। इसी तरह भूत ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि आप लोगों को कर के ना देने पर मौत की सजा देकर उन्हें लाशों में बदल रहे हैं। उन भूतों का उनके मृत शरीरों पर ही गुजारा होता है, इसीलिए भूतों ने कहा कि आप भूतों के भी भूत हैं। राक्षस ने कहा कि आपका शासन राक्षसों के शासन जितना ही बुरा है, इसीलिए लोग जंगल चले जाते हैं और इस तरह राक्षस को अपना खाना आसानी से मिलता है। इसीलिए उस राक्षस ने आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। इस तरह मंत्री धर्मानंद ने उन सब की कही बातों का मतलब राजा को बताया। इसका मतलब है कि मैं डाकुओं, भूतों और राक्षसों से भी ज्यादा क्रूर हूँ, है ना? प्रिय महाराज, आपको अपने अनुभवों के आधार पर इस पर विचार करके खुद फैसला लेना चाहिए। धर्मानंद, मुझे अपनी गलतियों का पूरा एहसास है। आज से और अभी से मैं अपने लोगों की अपने परिवार की तरह देखभाल करने का प्रण लेता हूँ। मैं उनका दिल जीत के दिखाऊंगा। धर्मानंद ने राजा से कहा, प्रिय राजा, आपने आखिर अपने अंदर की बुराइयों को हरा दिया, मैं कितना खुश हूँ। और उस दिन के बाद से बलवंत ने अपने राज्य को सही तरीकों से शासित करा और शोहरत हासिल की। भूतिया बंगला भाग दो, रीकैप। एक बार की बात है, विजयनगर गांव में एक अरबपति विजय था। विजय का बंगला बहुत अद्भुत था। विजय अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। एक दिन शेषनाग, जो उस राज्य का खजांची था, विजय के बंगले को देखा तो उसके बारे में सोचने लगा। तब उसने विजय के साथ लड़ाई की और उस बंगले पर कब्जा कर लिया। उनकी लड़ाई के दौरान विजय ने अपना जीवन खो दिया। उनके सभी परिवार के सदस्य डर गए और अलग अलग दिशाओं में भाग गए और विजय एक भूत बन गया। विजय जो भूत बन गया था, उसने बदला लेने की सोची और शेषनाग को मारने का फैसला किया। फिर उसने शेषनाग को ना सोने देकर खूब प्रताड़ित किया। इसी के साथ शेषनाग ने उस बंगले के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और उस पर एक चेतावनी नोट चिपका दिया। इस बंगले में एक भूत रहता है, ये प्रतिबंधित बंगला है। फिर वो अपने आदमियों के साथ राजधानी शहर चला गया। विजय के 10 साल के पोते बंटी को देखकर, जो भागकर पड़ोस के गांव एक पेड़ के नीचे बेगुनाह सा खड़ा था, उन ग्रामीणों को दया आई और वे उसे वापस बंगले में लेकर गए। दरवाजे पर चेतावनी नोट पढ़कर ग्रामीणों ने बंटी से कहा, बेटा, ये भूतों का बंगला है, इस बंगले में प्रवेश नहीं करना। इसी तरह उन्होंने उसे चेतावनी दी और अपने गांव चले गए। तब बंटी ने पीछे से गुप्त द्वार से बंगले में प्रवेश किया। तब से विजय, जो एक भूत बन चुका था, अदृश्य रूप में बंटी के लिए सभी आवश्यक चीजों की व्यवस्था और प्यार से उसकी देखभाल करने लगा। अब भाग दो। एक दिन बंटी सुबह देर तक नहीं उठा। विजय, जो एक भूत बन चुका था, उसके पलंग के पास गया और उसकी ओर देखा। माँ, पापा, कह रहा था। अपने पोते की स्थिति को देखकर विजय को बहुत दुख हुआ। बंटी, बेटा बंटी। इतना कहकर
उसने उसे जगाया। क्या है दादाजी? तो विजय बंटी से बोला, कुछ नहीं बंटी, तुम अभी तक सो रहे हो, क्या तबीयत ठीक नहीं है बेटा? तब बंटी आंखें मलते हुए बोला, हाँ दादाजी, मौसम बहुत ठंडा है, मेरे हाथ पैरों में दर्द है, इसीलिए नहीं उठ रहा हूँ। बंटी की बात सुनकर विजय बोला, बेटा थोड़ी ताकत लगाकर उठ जाओ, मेज पर दवा है, यदि तुम इसे ले लेते हो तुरंत ठीक हो जाओगे, फिर दिन भर मजे से खेलना, है ना? बंटी का मन उस दिन अच्छा नहीं लग रहा था, वो झट से उठा और फिर बोला, नहीं मैं कोई दवा नहीं लूंगा। बंटी ने इस तरह रुआसा होकर कहा, मेरे प्यारे पोते, अपने दादाजी की बात सुनो, जाओ और उस दवा को खा लो। दादाजी आप दिखाई नहीं देते हैं, मेरी माँ पिता और हमारे परिवार के और सदस्य कहाँ गए, वे यहाँ कब आएंगे? मुझे इस बड़े बंगले में अकेले क्या करना चाहिए, मैं बोर होता रहता हूँ। तब विजय बोला, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम किए हैं, पहले दवाई खा लो फिर दिखाता हूँ। बंटी फौरन उठा और मेज पर जाकर दवा उठाकर खा ली। कुछ ही समय में वो सो भी गया। फिर वो दोपहर में उठा और अपने दादाजी को जोर से पुकारा, दादाजी दादाजी। तो विजय बोला, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? दादाजी अब दवाई खाने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, आपने मुझसे पहले कहा था कि आप मुझे कुछ दिखाओगे, चलो। बंटी हमारे बंगले के बीच वाले बड़े कमरे में जाओ, तब तुम समझ पाओगे। तुरंत बंटी खुश होकर बीच के कमरे में भागा। वो कमरा विभिन्न पक्षियों से भरा हुआ था, जैसे कि तोते, ब्लू जे, गुरैया और मोर। कुछ खरगोश इधर उधर कूद रहे थे। रंगीन मछलियाँ कमरे के चारों ओर व्यवस्थित एक्वेरियम्स में तैर रही थीं। बंटी ने उन्हें अचानक देखा तो बहुत खुश हुआ, वो पूरे कमरे में घूम घूम कर उनके साथ खेलने लगा। तब से वो कमरा बंटी के लिए सब कुछ बन गया। वो तोते को बोलना सिखाता था, रंगीन मछलियों को देखते हुए वो खोसा जाता था। जब उसका पोता उस कमरे में आनंद लेता था और उस कमरे में रहने के बाद खुश रहता था, तो विजय को भी अंदर से बड़ी शांति मिलती थी। एक दिन की बात है, डकैत गंगलू को अपने चेलों के जरिए भूत के बंगले के बारे में पता चला। गंगलू भूतों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था, उसने सोचा कि बंगले में जरूर सबसे कीमती चीजें हैं। गंगलू ने तुरंत ही विजय के बंगले को लूटने का फैसला कर लिया। एक दिन वो उस बंगले के दक्षिण की ओर की दीवार में बड़ा सा गड्ढा बनाकर अपने चेलों के साथ उस बंगले में घुस गया। फिर क्या हुआ, भाग 3 में। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।